स्टार प्लस का ये शो ये है मोहब्बतें अपने जितने इस शो की कहानी के लिए पॉपुलर रहा है उतने अपने शो के स्टार कास्ट की वजह से भी, जिसमें हर एक शो के हर एक कलाकार ने अपने किरदारों को इतनी शिद्दत और मेहनत के साथ पर्दे पर निभाया है कि आज भी उन्हें ये अपने उन्हीं किरदारों की वजह से पहचानते हैं, जिनमें एक नाम करण पटेल का भी शामिल होता है जिन्होंने इस शो में रमन भल्ला की भूमिका निभाकर अपने करियर में चार चांद लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता करण पटेल की प्रोफेशनल लाइफ से तो अच्छी तरीके से वाकिफ ही होंगे, लेकिन शायद ही आप इनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हर एक बात को शायद ही जानते होंगे। इनका सबसे पहले दिल किस पर आया था, यानी कि इनका पहला प्यार कौन रहा और वो लड़की कौन है जिसने इनके दिल पर ऐसे छाप छोड़ दी कि आज भी उन्हें अपना आखिरी प्यार बना बैठे हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इनके पहले और आखिरी प्यार से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इनके पहले और आखिरी प्यार के बारे में तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता करण पटेल इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड अभिनेताओं में से एक हैं, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन इनके करियर में अगर किसी शो ने चार चांद लगाए हैं तो वो है इनका शो ये है मोहब्बतें, जिनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जहां कई लड़कियां तो इन्हें अपना पहला प्यार तक मानने लगी थी। लेकिन दोस्तों, अगर बात की जाए अपने डैशिंग और चार्मिंग पर्सनैलिटी से हर किसी को अपना दीवाना कर देने वाले अभिनेता करण पटेल सबसे पहले किसके दीवाने हुए थे, यानी कि इनके दिल पर सबसे पहले किस लड़की ने दस्तक दी थी, तो आपको बता दें कि वो कोई और नहीं बल्कि अभिनेत्री काम्या पंजाबी ही है। जी हाँ, काम्या पंजाबी ही करण पटेल का सबसे पहला प्यार है। और बात करें इनके पहले प्यार की शुरुआत की तो बता दें कि इनकी उनसे मुलाकात साल 2014 में बॉक्स क्रिकेट लीग के दौरान हुई थी, जहां से दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गईं और इन्हीं बढ़ती नजदीकियों के चलते इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हुई, जहां कुछ ही समय बिताने के बाद ही ये एक दूसरे को अपने लिए परफेक्ट समझने लगे और इसी के चलते इन्होंने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जैसे तैसे तो इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया। उसी बीच करण पटेल की मुलाकात अंकिता भार्गव के साथ हुई, जो कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस तो है ही, साथ ही साथ अंकिता के पिता करण पटेल के साथ इनके शो ये है मोहब्बतें में काम कर चुके थे। उसी दौरान ये अंकिता भार्गव से भी मिले थे, जहां अच्छे दोस्त बने। दोनों का रिश्ता काफी लंबे समय तक दोस्ती तक ही सीमित रहा, जहां करण पटेल ने भी हमेशा ही इस रिश्ते को मर्यादा में रखा और अंकिता भार्गव को एक अच्छे दोस्त की तरह ही ट्रीट किया। लेकिन जैसे जैसे काम्या पंजाबी और करण का रिश्ता बढ़ता गया, वैसे वैसे ही करण काम्या पंजाबी में कई ऐसी चीजें देखने लगे जिससे कि इन्हें लगने लगा कि शायद काम्या इनके लिए बनी ही नहीं है। वहीं जैसे जैसे अंकिता भार्गव के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ती गई, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हें ये महसूस यानी कि इन्हें ये रियलाइज होने लगा था कि शायद अंकिता भार्गव ही इनका आखिरी प्यार है और ये उन्हीं के साथ अपना जीवन पूरा बिताना चाहते हैं, जिसके चलते इन्होंने काम्या पंजाबी के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर समझा और आगे चलकर अंकिता को अपना आखिरी प्यार मानते हुए इन्होंने उनके साथ ही शादी कर ली और घर बसा लिया, जहां आज दोनों की शादी को 5 साल भी हो चुके हैं और इन बीते 5 सालों में दोनों एक बेटी के माता पिता भी बन चुके हैं। इस तरह से इनकी जिंदगी में पहला प्यार बनकर आई काम्या पंजाबी इनका आखिरी प्यार नहीं बन पाई, जिसके बाद इनकी जिंदगी में इनका दूसरा प्यार बनकर आई अंकिता भार्गव को इन्होंने अपना आखिरी प्यार बना लिया। तो दोस्तों, आपको करण पटेल और अंकिता भार्गव की जोड़ी आखिरकार कैसी लगती है, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ ऐसी ही मसालेदार खबरों के बारे में जानते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।